तो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया बैंक निफ्टी ने, और उससे पहले डोजी बनाया था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अगर हाँ तो कहाँ तक जा सकते हैं मार्केट, डिटेल में बात करेंगे इसकी भी। प्लस आपको पता है कि आज ट्यूसडे है और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो लास्ट पे हम बात करेंगे फिन निफ्टी की भी, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे दो साइन, एक्चुअली रिवर्सल के साइंस है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, एक अपने आप में एक रिवर्सल का साइन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये दोनों कैंडल्स हैं जो हमें कह रही है कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो आप कहाँ से प्लानिंग करेंगे बाय की? तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मैं डेफिनेटली प्लान करूंगा अपना बाय यहाँ से, इस हाई से ऊपर, जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स हैं उसके हाई से ऊपर प्लानिंग करूंगा, और मेरा टारगेट होगा नियरली ये वाला लेवल, जो पीछे वाला स्विंग लो भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर यहाँ पे की जो जोन बना हुआ था उसका भी लेवल है। तो अगर कहीं मार्केट ने इसको ब्रेक किया और सस्टेन किया तो हो सकता है मार्केट आपको 41,100 तक आती हुई दिख जाए, लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक किया तभी। तो चलिए देखते हैं आज के लिए कौन कौन से और इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो एक तो हमारे पास ये वाला लेवल आ जाएगा इन बिटवीन, और अगर मैं बॉटम साइड की बात करूं तो यही जो कल का लो था उसको ही कंसिडर करेंगे, और उसके नीचे बस ये एक लास्ट वाला। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो अगर आप कहीं ना कहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट थोड़ी सी जोन में ही है, कुछ खास बुलिश या बेरिश नहीं है। अगर आप देखेंगे 22 फेब से लेके 27 फेब तक मार्केट उसी एक ही जोन में, पहले मार्केट गिरी उसके बाद ये इसी जोन में फंसी हुई है, और कहीं ना कहीं अभी अगर मैं कल की बात करूं तो एक अप ट्रेंड लाइन भी बन रही थी मार्केट में। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड लाइन है, तो लग तो ऐसे रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो अगर आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो परफेक्ट ट्रेड बनेगा वो इस लेवल से ऊपर बनेगा। अगर कहीं मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी, उससे ऊपर सस्टेन होगी, तो आप एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला लेवल, विच इज नियरली अराउंड 550 या 600 तक का टारगेट है। तो मींस आपको इजिली 200 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप 40,400 की कॉल बाय करेंगे तो उसमें आपको अराउंड 25 to 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 90 to 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने ये इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया 40,500 को भी, फिर आप दोबारा भी बाय प्लान कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा ये वाला लेवल। तो ये तो होगी अपसाइड की बात। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और नीचे सस्टेन करेगी, फिर आप सोच सकते हैं सेल के लिए भी, और आपका टारगेट इजीली आपका आ जाएगा ये वाला लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल, जो है ऑलमोस्ट अराउंड 40,100 के आसपास। अगर इसको भी ब्रेक किया फिर आपको ये वाला लेवल मिल जाएगा, वो जो है अराउंड 39,900 के आसपास। तो मीन बॉटम साइड पे आपको लेवल्स मिलते रहेंगे, ये वाला हो जाएगा सेकेंड, देन थर्ड, लास्ट लेवल, ये मेरा फाइनल टारगेट होगा। और अगर कहीं मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है नीचे की वाली साइड पे इस लेवल को, फिर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ी कोई मोमेंटम नहीं है, एक ही जगह पे मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, लेट इट डिसाइड कहाँ पे जाना है इसको, फिर आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन क्लियरली मुझे बेरिश बुलिश लग रही है, क्योंकि ये कॉल राइटर जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहे हैं। इन दी मनी भी, आउट ऑफ दी मनी भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट नहीं है। इवन अगर मैं देखूं तो ये 40,900 तक की स्पेस दे रखी है उन्होंने मार्केट को, फ्रैंकली बोलूं तो हो सकता है 40,900 या फिर 41,000 तक मार्केट आ जाए। तो वही जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे प्राइस एक्शन के ऊपर भी, वहां पे भी एक जो रेजिस्टेंस है वो 41,000 या 40,900 के आसपास है, क्लियरली अभी नहीं है। वैसे आप प्राइस एक्शन के साथ चलेंगे तो अच्छा होगा, और इस साइड अगर आप देखें तो काफी अच्छा बिल्डअप है। तो ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली बुलिश है। अगर आपने प्राइस एक्शन देखा तो प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा बुलिश नेचर दिखा रहा था अपना। तो अगर मार्केट लेवल ब्रेक करती है, जो कल का डे हाई था उसको ब्रेक करती है, तो आप डेफिनेटली एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं एक अच्छे टारगेट के लिए। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी हमें क्या कह रहा है, फिर बात करेंगे फिर निफ्टी की। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम कैंडल्स मार्क करें, लेवल्स मार्क करें, तो एक तो ये जो लो आ जाएगा, ये बजट वाले डे का लो है
वहीं से मार्केट कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है। वहां पे बुलिश इनगल्फिंग था, यहाँ पे हैमर है, तो आपको पता है दोनों ही बुलिश सिनेरियो है, तो मे भी हो सकता है यहाँ से भी मार्केट थोड़ी ऊपर चली जाए। अगर मैं इससे ऊपर लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो एक तो ये आ जाएगा जोन का लेवल है, और अगर मैं थोड़े और लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो हमें इस लेवल को भी ड्रॉ कर सकते, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए काम कर सकते। चलिए अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर वहां पे कुछ और भी लेवल हुए तो उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में एज इट इज मुझे कोई खास लेवल नहीं दिख रहा अभी। तो अगर मैं बात करूं 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया। ये देखिए यहां से मार्केट चली, ये फर्स्ट बेस बनाया नेकलाइन, सेकंड बेस, एंड अभी इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो क्लियरली चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, एटलीस्ट आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये। अगर आपको सेफ एंट्री करनी है तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट रेडी है ऊपर जाने के लिए। तो बेस्ड अपॉन द ओपनिंग एंड प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, इजिली आपको ये वाला टारगेट मिल जाएगा जो कि है नियरली अराउंड 17,500। और अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक ही कर दिया, उससे ऊपर सस्टेन होगी, फिर आपको इससे भी बड़ा टारगेट मिल सकता है। हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में, या फिर आज की आज काफी ऊपर चली गई अगर, तो अगर बुलिश हुई उतनी, तो फिर आपको ये वाला टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है 17,600। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का प्राइस एक्शन ही मुझे बुलिश लग रहा है। तो आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। अगर डबल बॉटम को ट्रेड करेंगे तो आपको ये यहाँ पे टारगेट मिलेगा 500 तक का, अगर ये भी ब्रेक हो गया फिर आपको 600 तक का टारगेट इजीली मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। तो अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल ही उल्टा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 62 लाख है, वही 15 लाख है, वही 21 लाख। यहाँ पे कॉल साइड राइटर्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजिशन छोड़ रहे हैं। एनडी मनी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। तो अब क्या करें कि मतलब निफ्टी का सिनेरियो जो है वो हमें बेरिश लग रहा है और बैंक निफ्टी का बुलिश ऑप्शन चेन को। तो आप देखिए दोनों इंडेक्स एकदम से मतलब थोड़ा थोड़े टाइम के लिए अपोजिट जा सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली अपोजिट नहीं जा सकते। तो आप थोड़ा सा टाइम दे देना, अगर ऐसा ही आज भी हुआ कि दोनों इंडेक्स आप एक दूसरे से अपोजिट लगे आपको, तो जब दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएंगे दैट विल बी अ बेस्ट टाइम फॉर यू टू डिसाइड कि हाँ किस साइड मुझे जाना है। ठीक है, तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम। तो आप जबरदस्ती मत कीजिए, अगर आपको लगता है कि दूसरे से ऑपरेट है तो देख लीजिए कौन किसको पुल करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो जिसकी एक्सपायरी है फिन निफ्टी, उसमें क्या कर सकते हैं। तो पहले फिन निफ्टी में डेली के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं कौन कौन से लेवल्स लग सकते हैं। तो यहाँ से जहां से मार्केट ने घूमा वो हो सकता है, एक ये पीछे वाला स्विंग लो था जो बजट का डे लो था, ये भी रख लेते हो। ऊपर अगर जाएंगे तो ये ट्वीज है टॉप टाइप बना हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, तो कहीं ना कहीं अगर इसको ब्रेक किया तो अच्छा मूव मिलेगा हमें। उसके बाद अगर मैं जाऊं तो ये वाला लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी के लिए जो मेरे काम आ सकते हैं कि ये लो भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम में कुछ रहा तो नहीं लेवल्स, अगर रहे हैं तो उसको भी मार्क कर लेंगे हम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में छोटा करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कुछ बन सकता है तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कि यहाँ पे लेवल बन सकता है, इसको ब्लैक कलर से लगा लेते हैं। तो वही सीन है ऑलमोस्ट अराउंड बैंक निफ्टी जैसा लग रहा है आपको देखने में, कहीं ना कहीं एक जोन में फंसा हुआ है, इसको निकलने की वेट करेंगे इससे कि अगर यहाँ से मार्केट निकलती है किसी भी साइड पे तो ज्यादातर चांस ऊपर वाली साइड के है मेरे लिए। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है यहाँ से तो आप एक बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हो, आपको इजिली इस लेवल तक का टारगेट मिल जाएगा। मीन्स अगर आप 18,000 की कॉल बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हार्डली होगा वहां पे 15 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 15 पॉइंट्स का, और आपको मिल सकते हैं वहां पे अराउंड 90 पॉइंट्स। तो मीन्स 1:6 तक का सिनेरियो आपके लिए बन सकता है। तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप चाहें तो एक स्काल्पिंग का सेल भी प्लान कर सकते हैं, या फिर इस लेवल से आप एक अच्छा खासा सेल प्लान कर सकते हैं जो आपको इजिली 1:3 तक का टारगेट मिल जाएगा। अगर कहीं मार्केट नीचे आई इस लेवल के आसपास तो यहाँ से भी आप एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो आपको एक अच्छा खासा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देके जाएगा। थोड़ा कॉन्शियसली प्लान कीजिए, जब मार्केट लेवल के पास आ जाती है तो आपको कैंडलस्टिक देखना होता है, वॉल्यूम देखना होता है, उसके अलावा ऑप्शन डाटा देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो फ्यूचर डाटा देख सकते हैं, और फिर आप एक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
आप अपना स्टॉप लॉस देख लीजिए कितना होगा, बस उस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपको सेकंड डबल या फिर ट्रिपल टारगेट ले लेना है मार्केट से। एक्सपायरी वाले दिन बेनिफिट ये है कि प्रीमियम बहुत कम होंगे, इसके ऑप्शन जो है फिर निफ्टी की हार्डली 40-50 रुपीज की होंगी जो एटीएम वाली है। अगर आपको एक भी अच्छी मूव मिले तो आपको इजिली 20-30-40 पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस तो वही बढ़ेगा 10-15 पॉइंट का आपको। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय बाय।